नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट टोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी, पेटीएम का एक नया सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है। अब पेटीएम में ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर बैठे अपना मोबाइल फोन से मात्र 2 मिनट में फुल ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पेटीएम का फुल केवाईसी घर बैठे कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है पेटीएम, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है। इस ऐप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले पेटीएम मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में टाइप करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस प्रकार से हम अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है और ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाता है। उसके बाद पेटीएम ऐप इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। पेटीएम में फुल केवाईसी घर बैठे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है बैंक अकाउंट के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंटर करना है जो आपने पासकोड 4 डिजिट का बनाए हैं, यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए हम फटफट टाइप कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन शो हो जाता है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक को इनएक्टिव कर दिया गया है, अब आपको फिर से रीडू ई केवाईसी कंप्लीट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज को हम क्लियर करना चाहते हैं, मेरा पेटीएम में फुल केवाईसी कंप्लीट था, अब यहाँ पे देखिए केवाईसी ऑटोमेटिक हट गया है। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि फिर से आपको रीडू केवाईसी कंप्लीट करना है, नहीं तो यहाँ पे देखिए आपका पेटीएम पेमेंट बैंक जो है कि उसको इनएक्टिव कर दिया गया है। तो रीडू केवाईसी करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है रीडू केवाईसी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कंप्लीट योर केवाईसी विथ आधार एंड पैन, यानी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को रेडी रखना होगा। वीडियो के थ्रू से जो है कि यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे 3 स्टेप दिया गया है। पहला स्टेप में आधार और पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा, दूसरा स्टेप में एडिशनल डिटेल्स को ऐड करना होगा, तीसरा स्टेप में स्टार्ट वीडियो चैट का ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी बताया गया है कि 2500 से भी ज्यादा लोग जो है कि वीडियो के थ्रू से केवाईसी कंप्लीट कर लिए हैं 24 घंटा के अंदर, इतने लोग से भी ज्यादा लोग जो है कि केवाईसी कंप्लीट कर लिए हैं। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है प्रोसीड के ऑप्शन, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेप दिया गया है। पहला स्टेप में आधार वेरीफाई किया जाएगा, दूसरा स्टेप में पैन वेरीफाई किया जाएगा, तीसरा स्टेप में एडिशनल डिटेल्स ऐड करना होगा, चौथा स्टेप में वीडियो चैट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है बॉक्स, बॉक्स पे टिक आउट करना है। यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन जो दिख रहा है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, ओटीपी यहां पे ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। अब यहां पे देखिए दूसरा स्टेप का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें अब यहां पे पैन वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां पे अपना पैन नंबर को टाइप कर लेना है, ऐसे यहां पर देखिए मेरा पैन नंबर यहां पर ऑलरेडी एड किया हुआ है। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, यानी एडिशनल डिटेल्स जो भी है इस प्रकार से यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूरा देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 स्टेप कंप्लीट भी हो गया है। तो चलिए अब एडिशनल डिटेल्स को फिलअप करने के लिए सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस टाइप यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाता है, रेसिडेंशियल और बिजनेस, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए रेसिडेंशियल वाले हम सिलेक्ट रहने देते हैं। यहाँ पे हाउस नंबर को टाइप करना है।
इस बॉक्स में स्ट्रीट के नेम को टाइप करना है, एरिया सेक्टर विलेज के नेम को यहाँ पे टाइप करना है, अपने एरिया का पिन कोड नंबर को टाइप करना है, सिटी का नाम को टाइप करना है, स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे मैरिड स्टेटस को सिलेक्ट करना है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड को सिलेक्ट करना है, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है कि आप काम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि एनुअल इनकम आपको दे देना है। अब इस बॉक्स में आपको टाइप करना है जो आपके पैन कार्ड पे फादर्स का नाम है, फादर्स का नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम को टाइप करना है, इस बॉक्स में लास्ट नेम को टाइप करना है और यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स, बॉक्स पे टिक आउट करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अपना यहाँ पे इंटरनेट देख लेना है, इंटरनेट को सही रखना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स, बॉक्स पे टिक आउट करना है और यहाँ पे देखिए फुल केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे दिया गया स्टार्ट वीडियो चैट के ऑप्शन, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इन एक्टिव अकाउंट का यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए चार रीजन यहाँ पे दिया गया है, इसमें से जो भी है रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अलाउ सबसे पहले करना है, अलाउ करने के बाद इस प्रकार से आपको जो है कि सभी को परमिशन देना है और यहाँ पे देखिए कॉल लग गया है। यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है कि आपको जो है कि इतना सारा कंप्लीट रखना है, इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए। तो दोस्तों हमने वीडियो चैट पर बात कर लिए हैं और दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा चार स्टेप कंप्लीट हो गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक में फुल केवाईसी कंप्लीट हो गया है और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिख जाता है चेक स्टेटस के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है। अभी यहाँ पे कम से कम 10 दिन तक आपको वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे जो है कि केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में भी हो जाएगा, दो दिन में होगा, कम से कम जो है कि आपको 10 दिन तक आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से आप बिना कहीं गए हुए पेटीएम पेमेंट बैंक का रीकेवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। रीकेवाईसी कंप्लीट करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू से केवाईसी को बहुत ही आसान तरीका से कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिए हैं। तो इस तरीका से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा केवाईसी अपडेट सक्सेसफुली हो गया है।